हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ में। चले जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और यार गाइस, आप लोगों को बताता चलो कि भाईजान, थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा और पब्लिक रिएक्शन फेड हो चुका है भाईजान। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या थी कि हम लोग क्यों वहाँ से, हम लोगों ने वहाँ पे और शूट नहीं किया, हम लोग क्यों जल्दी वापस आ गए? एक्चुअली हम लोग इसलिए जल्दी आ गए थे कि भाई जान, हम लोगों ने एक दो बंदों को शूट किया, लेकिन भाई वो एक तो डरे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई जान, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाहर, ठीक है। पब्लिक रिएक्शन मतलब ये जो पब्लिक रिएक्शन था, ये जो डराने वाला था, ये सीन ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था। इससे पहले मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में ना किया और इंशाल्लाह करूँगा सही, लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था मैं। और एक दो बंदों को मैंने ऊपर ट्राई किया, लेकिन वो लोग डरे नहीं। फिर ना मैं अंदर से एकदम ना वो हो गया कि यार, मतलब डिसहार्ट हो गया कि यार, मतलब लोग तो कुछ मतलब फील ही नहीं कर रहे। एक जो दूसरा बंदा था वो हल्का सा, मतलब तो हल्का सा डरा था अचानक से, और नहीं डरा। फिर मैंने कहा कि यार भैया क्या करे बंदा, छोड़ दो यार। फिर मेरे माइंड कुछ आ भी नहीं रहा था, क्योंकि और कोई बड़ा बंदा साथ नहीं था जो मशवरा दे सके, कोई आइडिया दे सके, वो बंदा नहीं था मेरे पास। तो हम लोग गए थे B17 गए थे, और B17 जाके वहाँ पर हम लोगों ने शूटिंग अपनी स्टार्ट कर दी। तो उधर एक फुटबॉल पार्क है और एक जो है क्रिकेट पार्क है। हम लोग पहले जो है वो क्रिकेट पार्क में गए, वहाँ पे जनाब साहब आप लोग, एक संडे था एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और B17 में वहाँ पर भाई जान बहुत ज़्यादा ना क्राउड होता है संडे वाले दिन। तो फिर हम लोग जो है वो कुछ इस वजह से भी रह गए कि वहाँ पे एक तो मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो थे, और हर बंदा मतलब ऐसे ही उस बैठा हुआ, उसको पता है कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या हिसाब है। तो वो एक तो छुपने की जगह भी नहीं थी, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर प्रैंक्स में मतलब देखा होगा कि भाई लाहौर में जैसे कोई प्रैंक कर रहे लोग, तो वहाँ पर जनाब साहब प्रॉपर पार्क के अंदर दरख्त होते हैं जनाब साहब, जहाँ पे कैमरा मैन भी आराम से, खैर कैमरा मैन तो अयान को मैंने मुंतखब किया हुआ था, और अयान के मैंने दिया हुआ था अपना मोबाइल, ठीक है। कैमरा तो नहीं दे सकते, दहरी बात है, कैमरा देंगे तो कोई मतलब शक हो ही जाएगा। बहरहाल कैमरा दिया हुआ था, लेकिन मसला ये था कि अब जो उसके जो बैक वाली साइड थी ना, अब वहाँ पे वो इतनी मतलब कोई स्पेशल नहीं, खास नहीं थी। मतलब एक एक साइड पे अगर प्रैंक कर रहा हूँ ना, तो जो दूसरा सामने बंदा बैठा होगा ना, उसको पता चल जाएगा कि भाई जान हाँ ये लोग प्रैंक कर रहे हैं। और अगर इधर वाले को करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो उधर वाली साइड पे लोग बैठे होंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये लोग प्रैंक कर रहे हैं, तो फिर ना अलर्ट होकर बैठ जाते हैं। तो ये सारा सीन है, वो पार्क भी छोटा था, फिर इस वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं कर सके। फिर हम लोग गए अपना दूसरे ग्राउंड में, वहाँ पे भी मतलब क्राउड नहीं था, सिर्फ ये थे क्रिकेट वाले लड़के जो है ना, वहाँ पे क्रिकेट वैसे खेले थे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। तो फिर इस तरह ना मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गया। फिर मैंने कहा यार भैया आप क्या किया जाए, छोड़ो निकलते हैं। फिर आपका भाई निकला है। अच्छा अभी रुको, अच्छा जितने भी हमारे तक मतलब हम लोगों ने वहाँ पे शूटिंग जिस तरह भी की, जैसे भी की, अभी आप लोग देख ले जाके वीडियो को आगे। और बाकी है कि हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में वीडियो को कब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई साहब जाकर जल्दी से यार कर दो सब्सक्राइब, और भाई साहब बेल के आइकन को क्लिक कर दो, साथ साथ लाइक के बटन को लाजमी आप लोगों ने दबाना है, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना है जो भी होगा। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर 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 पब्लिक प्रैंक करके छोड़ेंगे, ये तुम लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि यार जी फेल हो गया, कोई बात नहीं, फेल हो गया, खैर सलाम, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे, ओके। और बाकी जो है ना आप वीडियो आप लोग पूरी जाके देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रैंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ में। चले जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज तो भाई साहब मैं अपनी प्रॉपर ना टीम के साथ आया हूँ, मैं अपनी सबसे पहले टीम से मिलवाता हूँ आप लोगों से। हाय टीम मेंबर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम जवान, कैसे हो? ठीक हो? ये जी भाई हमारी प्यारी प्यारी टीम। और अच्छा जी नादिर, आप लोगों को बताते चलो कि भाई साहब आज हमारा आने का मकसद क्या है। तो ज़रा इधर आ जाओ भाई, आप लोग बैक साइड पे आ जाओ, वैसा आप इधर बैक साइड पे आ जाओ। अच्छा जी नादिर, आप लोगों को बताते चलो कि भाई साहब हमारे यहाँ पे आने का मकसद क्या है, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी आज हम लोग पब्लिक रिएक्शन चेक करेंगे भाईजान, पब्लिक रिएक्शन क्या होने जा रहा है, और अच्छा क्या चीज़ होगी, मतलब क्या करने जा रहे हैं ये बताओ जरा भाई, निकालो उसकी इधर से। अच्छा जी ये रहा भाई साहब मास्क, ओके ये पहन की तरह दिखाओ। अच्छा जी ये होगा मास्क,
और हम लोगों ने क्या करना है भाईजान, हम लोग अभी इस टाइम मौजूद हैं। अच्छा जी गाइज, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं मल्टी B17। सो आप लोगों ने देख ली कि भाईजान हम लोग इस टाइम मौजूद हैं मल्टी B17। तो आज हमारा ये आइडिया कि भाईजान आज हम लोग जाएंगे अंदर पार्क के अंदर, वहाँ पे आज हम लोगों के साथ प्रैंक करेंगे भाई साहब, और उनका जो है ना रिएक्शन चेक करेंगे। तो इसीलिए आज हमने इस चैलेंज का नेम दिया है पब्लिक रिएक्शन। देख लिया आप लोगों ने भाई साहब, ये ऐसे करके मास्क लगाएंगे और आराम से जाके वो जो बंदा बैठा होगा ना उसको हम लोग डराएंगे, तो भाई साहब बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे इस टाइम में नाज़रीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं भाई साहब। अभी रिएक्शन भी देखेंगे कि भाई साहब रिएक्शन क्या आता है। मुझे पता है रिएक्शन जेड़ा ना वो जूतियाँ और थप्पड़ और मुक्के पड़ने वाले हैं हम लोग को। तो भाई साहब हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो डरेंगे नहीं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे भाई साहब, करते रहेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अभी हम लोग जल्दी से बस अंदर चलते हैं और अंदर पार्क में जाके देखते हैं, मतलब जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके अपना आज का प्रैंक स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब जो डराएगा वो मैं हूँगा और अयान और अवैस भाई जो होंगे ना वो छुप के शूट करेंगे। तो भाई साहब ये सारा सीन है। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कोई लोकेशन, देखते हैं कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है, कहाँ पर शूट करना चाहिए, होना चाहिए, तो वहाँ पर फिर शूट अपना स्टार्ट करते हैं। प्रैंक भी हम फर्स्ट टाइम करने लगे हैं। हाँ, ये प्रैंक जो है ना पब्लिक रिएक्शन वाला, ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ऐसा व्लॉग में कभी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कभी नहीं किया, ये हमारा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस होगा भाई साहब। और मुझे उम्मीद है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और कुट भी पड़ेगी भाई साहब। अच्छा जी नादिन, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में से सभी व्लॉगर को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब बहुत बड़ी ज्यादा है, जाकर जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और भाई साहब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आप लोगों ने। तो चलो फिर चलते हैं भाई जान, अगर कुट पड़ेगी ना आगे से उनको ना मारने लग जाना हाइपर हो गए। खैर पड़ती है प्रैंक में ओ भाई जान, इन्होंने पता ना कि जेड़ा ना चौधरी समी जेड़ा ना जरा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये मोबाइल पकड़ और उधर जाके सामने बैठ जा, ठीक है, छुप के बैठ उधर ताकि उनको पता ना चले, जाके उधर लेट नहीं, मतलब ऐसे लेट और वैसे ही ना मोबाइल ऐसे करके सीधा करके रख ली, तो फिर मैं आऊँगा। ओके चल ठीक है, फिर जा पकड़े गए तो देखी जाएगी, फिर खली वली करो, नहीं नहीं शक नहीं होना उनको, वो अपने लगे हुए, वो देख सामने वो अपना लगे हुए सारे। चलो ठीक है, आप बस क्या कह रहे हैं, बस तैयार शहर हो गए ना पहन के, आराम से उधर टच करना। चलो चलो ठीक है ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो वैस रेडी, चलो यार गाइस दुआ करो दुआ करो, चलो 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 जल्दी ये पकड़ के ले जा। फेल हो गया भाई जान, पहला फेल हो गया, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं। गाइस अब बारी आ चुकी है सेकंड की, और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गया, इसके बाद क्या हुआ ये मैं आगे हुआ, ओह ये मैं डर गया, कहता है, मैंने कहा आप डरे तो नहीं है भाई, कहता है नहीं 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 ये तो वो सराय की था, कहता है ये तो साढ़े ग्राम इस पहले भी होंगे। फिर मैंने उसको कहा कि भाई नाराज़ तो नहीं है यार, सामने कैमरा लगा हुआ है और देख के ना ज़रा हाथ ला दो, वो सामने अब हाथ लेगा ये देखना। आजा आजा। चलो गाइस ये था सारा का सारा व्लॉग, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और अभी जो है वो सेकंड, मतलब सेकंड जो बंदे को हमने किया था ना टारगेट, वो थोड़ा सा हल्का सा डरा था, फिर उसने कहा था भाई जान सराइकी के अंदर, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। और बाकी जो है वो क्या नाम है, बात मुझे समझ नहीं आ रही थी भाई जान, वो ऐसे ऐसे कह रहा था या ऐसे ऐसे कह रहा था कैमरे को देख के। तो बहरहाल ये है कि कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। और बाकी ये था बस आज का व्लॉग, और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में लगा दूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।